मध्य प्रदेश 2018 के विधानसभा चुनाव हमारे सामने हैं। हर बार चुनाव आते हैं और हम मत करते हैं, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि चुनाव होते क्यों हैं। अगर भारत में हम चुनावों के इतिहास पे जाते हैं तो पहला आम चुनाव 1951 के दौरान हुआ। वहीं मध्य प्रदेश में पहला जो चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ, जिसमें कुल मत प्रतिशत 37.3 रहा। इस पूरे दौरान में सबसे बड़ी समस्या जो पहले सामने आ रही थी कि नागरिकों को मताधिकार तो मिल गए थे, लेकिन नागरिक मत केंद्रों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों ने और सरकारों ने पहला प्रयास किया कि मतदाता चुनाव के दौरान मत केंद्रों तक पहुंचे। तो इसीलिए विभिन्न तरीके के अभियान चलाए गए कि मत हमारा अधिकार, एक अच्छे नागरिक की पहचान होती है अपने मत के प्रयोग से। 2013 आते आते ये मत प्रतिशत 37% से लगभग 70% तक जा चुका है, जहां मतदाता अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन चुनाव का दूसरा उद्देश्य जो है कि मतदाता अपने भविष्य के चयन के लिए एक सही प्रत्याशी का चयन करे, जो आने वाले 5 सालों में उसके भविष्य को और बेहतर बनाए, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे। अगर हम आज 2018 में मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक नागरिक की मूलभूत आवश्यकताएं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है, वो कितनी पूरी हुई। आज अगर हम 2018 में मध्य प्रदेश में स्कूलों की स्थिति देखते हैं तो 97,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं है। लगभग 18,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक शिक्षक है। इसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अगर आदर्श स्थिति की बात करें तो 15,000 डॉक्टर हमारे लिए होने चाहिए थे मध्य प्रदेश में, परंतु वर्तमान परिस्थिति में 7,000 पद हमारे डॉक्टरों के उपलब्ध हैं और उनमें से भी केवल 4,000 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। रोजगार के क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा संविदा के पद खाली पड़े हैं मध्य प्रदेश में। तो अगर हम इन तीनों बड़े स्थितियों को देखते हैं, इसके अलावा भी महिला सुरक्षा में मध्य प्रदेश रेप्स में सबसे ज्यादा है, महिला शोषण के मामलों में सबसे ज्यादा है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, कुपोषण की, तो कुपोषण में लगभग 42% मध्य प्रदेश के बच्चे आज की स्थिति में कुपोषित हैं। अगर ये आंकड़े देखें तो हम पाते हैं कि हमारे भविष्य की चीजें पूरी नहीं हुई, तो कमी कहाँ रह गई। असल में लोकतंत्र में एक नागरिक की जिम्मेदारी केवल मत देना नहीं है, उसकी जिम्मेदारी मत देने से शुरू होती है। अगर आप चुनावों में अपने प्रत्याशी का चयन करते हैं तो उसके आने वाले 5 साल में किए गए कार्यों की जवाबदारी आपकी होती है। अगर आपने किसी प्रत्याशी का चयन किसी जाति, धर्म, पार्टी, अपनी रिश्तेदारी इसके आधार पर किया है तो वो कभी आपके भविष्य के लिए काम नहीं करेगा। आवश्यक है कि जब भी हम चुनावों में किसी प्रत्याशी का चयन कर रहे हों तो हम देखें कि उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या वो हमारी विधानसभा की समस्याओं को समझता है, उसके निराकरण के प्रयास कर सकता है, उसकी अपनी 5 साल की योजना क्या है, वो योजनाबद्ध तरीके से किस तरीके से हमारी विधानसभा की समस्याओं का निराकरण करेगा। और यदि वो नहीं कर सकता तो अपना मत उसे नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपकी जाति का हो, आपके धर्म का हो या किसी भी तरीके से आपसे संबंधित हो। अगर आपने उसको अपना मत दिया और यदि किसी भी प्रत्याशी को आप अपना मत दे रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि उसके आने वाले 5 साल में किए गए कार्यों की जवाबदारी आप भी ले रहे हैं। और ये जवाबदारी केवल आपकी नहीं, ये भविष्य आपका अकेला नहीं है, ये सारे मतदाताओं का भविष्य है। इसीलिए इस बार जब मतदान केंद्रों में जाएं तो एक आकलन के साथ जाएं कि प्रत्याशी आपकी मतदाता आपके क्षेत्र के लिए क्या विकास कर पाएगा और क्या आप उसके आने वाले 5 वर्षों के कामों की जवाबदारी ले पाएंगे।